अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, साइंस का 10वां लेसन खलिया और खलवी हैवान से में आज हम लाइसोसोम पढ़ने जा रहे हैं। बताइए तो भला, काश्तकारी के दौरान हासिल शुदा घास फूस कचरा वगैरह गढ़े में डालने के कुछ दिन बाद इस कचरे का क्या हशर होता है? तो वो कचरा गढ़े में सड़ जाता है, उसकी तहलील होती है और कुदरती खाद में तब्दील हो जाता है। उसी तरीके से लाइसोसोम भी खलिये में मौजूद जो फाजिल मादे हैं उनकी निकासी का काम करता है, निकासी का निज़ाम करता है। लाइसोसोम एक सादा एकहरी झिल्ली से घिरा एक मलफूफ कैसा है जिसमें हाजमी खामरे होते हैं। जैसे कि शक्ल में बताया गया है, उसकी जो झिल्ली है वो एकहरी है, एक ही झिल्ली होती है और एक मलफूफ कैसा यानी थैले की तरह, थैला जिस तरीके से होता है उस तरीके से ये होता है और उसमें हाजमी खामरे होते हैं। खलिये में होने वाले तहवील के अमल में जो फाजिल मादे तैयार होते हैं उनकी निकासी का निज़ाम लाइसोसोम कहलाता है। खलिये के अंदर जो भी अमल होते हैं और अमल के नतीजे में जो फाजिल मादे तैयार होते हैं उनकी निकासी का काम लाइसोसोम करता है। इस शक्ल में देखिए लाइसोसोम है और लाइसोसोम के अतराफ़ में ऑरेंज कलर के कुछ मादे हरकत कर रहे हैं। वो मादे बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं जो खलिये के अंदर हमला करते हैं, या फिर कुछ फाजिल मादे हो सकते हैं, कार्बनी कचरा या फाजिलात हो सकते हैं जिसे लाइसोसोम जज्ब करता है और जज्ब करने के बाद हज़म कर देता है। देखिए वो ख़त्म हो गया, जो ऑरेंज कलर का मादा लाइसोसोम के अंदर दाखिल हुआ था उसको हज़म कर दिए हैं उन्होंने। उसमें जो कुछ भी पेचीदा खामरे हैं उसके ज़रिए हज़म होते हैं या तबाह होते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम के अफ़ाल। उसमें सबसे पहला फेल है इंसदाद अमराज निज़ाम। खलिये पर हमला करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को हलाक करता है। खलिये पर जितने भी बैक्टीरिया और वायरस जो नुकसानदा होते हैं उनको ख़त्म करता है, यानी उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा, तबाह करने वाला दस्ता मुर्दा और कमज़ोर खलवी हैवान से कार्बनी कचरा जैसे फाजिलात लाइसोसोम के ज़रिए बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। जो खलवी हैवान से कमज़ोर होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या फिर कार्बनी कचरा जैसे जो फाजिलात है वो लाइसोसोम के ज़रिए बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। तीसरा है खुदकश थैलियाँ। खलिया अगर पुराना मुर्दा या ख़राब हो जाए तो लाइसोसोम फूट जाते हैं और उनके खामरे अपने ही खलिये को हज़म कर देते हैं। खलिया पुराना होने के बाद, ख़राब या मर जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद लाइसोसोम फूट जाता है और अपने ही खलिये को हज़म कर देता है, यानी खलिया ख़त्म हो जाता है। चौथा फेल है फाका कशी के दौरान लाइसोसोम खलिये में ज़खीरा शुदा प्रोटीन और रोगनी मादों का इस्तेमाल करके ज़रूरी तवानाही पहुँचाते हैं। जब फाका कशी होती है उस दौरान में लाइसोसोम ज़रूरी तवानाई पहुँचाते हैं। अब अगला खलवी हैवान सा है तवानिये माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए तो भला, आपकी जमात का लाइट पंखा या कंप्यूटर किस तवानाई के ज़रिए काम करता है? ये तवानाई कहाँ तैयार होती है? तो आपकी जमात का लाइट पंखा या कंप्यूटर, इसमें बरकी तवानाई की ज़रूरत होती है और ये तवानाई बिजली घरों में पैदा की जाती है। इसी तरह हर खलिये को तवानाई की ज़रूरत होती है। खलिये को तवानाई फराहम करने का काम तवानिये करते हैं। जितने भी खलिये हैं उनको तवानाई तवानिये पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन से मुशाहिदा करने पर तवानिये दोहरी झिल्ली से बने हुए नज़र आते हैं, यानी उनमें दो झिल्ली होती है, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। तवानिये का बैरूनी गलाफ शिगाबदार होता है, यानी उसमें सुराख होते हैं, और अंदरूनी गिलाफ तहदार होता है। अंदरूनी जो तह है वो तह होती है, उसमें फोल्ड होते हैं, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है कि अंदरूनी तह में फोल्ड है। तवानिये के अंदरूनी खोखले हिस्से में मौजूद जेली जैसे माय में राइबोसोम, फॉस्फेट ज़र्रात और डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए
के सालमात की मौजूदगी से ये प्रोटीन की तालीफ कर सकते हैं। जैसे कि शक्ल में बताया गया है, नीले रंग का जो हिस्सा है जिसमें तवानिए में मौजूद माए है, और इस माए में राइबोसोम, फॉस्फेट ज़र्रात और डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए के सालमात की मौजूदगी होती है। तवानिए खलिए के कार्बोहाइड्रेट और रोगनी मादों की खामरों की मदद से तकसीद करते हैं। अब तवानिए खलिए में जो कार्बोहाइड्रेट है और रोगनी मादे हैं उनकी तकसीद करते हैं खामरों की मदद से, यानी इंजाइम की मदद से करते हैं। और इस अमल में खारिज होने वाली तवानाई एटीपी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट की शक्ल में ज़खीरा करते हैं, और जब तकसीद का अमल होता है तो उस दौरान में तवानाई आज़ाद होती है और ये तवानाई एटीपी की सूरत में जमा हो जाती है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट की शक्ल में जमा होती है। हैवानी खलिए की बनिस्बत नबाती खलिए में तवानियों की तादाद कम होती है, यानी हैवानी खलिए में तादाद ज़्यादा होती है। तवानिए की इस शक्ल को देखिए, इसमें आपको तवानिए का अंदरूनी गिलाफ और तवानिए का बैरूनी गिलाफ बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे तवानिए के अफाल। तो पहला फेल है एटीपी जैसे तवानाई के सालमात तैयार करना। एटीपी के सालमात ये तवानिए में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तैयार होते हैं। दूसरा फेल है एटीपी की तवानाई इस्तेमाल करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और रोगनी मादों की तालीफ करना। तो जो तैयार शुदा एटीपी है उसकी मदद से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और रोगनी मादे तैयार करना। अगला खल भी हैवान सा है, खालिए वैक्यूल्स। खलिए के सयाल जूस का ज़खीरा करने वाला खलवी हैवान सा खालिया है। खलिए में जो बहने वाले जूस है वो खालिए में जमा हो जाते हैं, ज़खीरा हो जाते हैं। खालियों की मुतय्यन शक्ल नहीं होती बल्कि खलिए की ज़रूरत के मुताबिक उनकी साख्त बदलती रहती है। कोई ख़ास शक्ल नहीं होती उनकी, और ज़रूरत के मुताबिक साख्त बदलते रहती है, साख्त में तब्दीली होते रहती है। खालिए की झिल्ली यक परती होती है, यानी उनके अतराफ में एक ही तय होती है। खालिए की इस शक्ल में देखिए कि किस तरीके से खालिए की जसामत कम ज़्यादा होती है, बदलती है, छोटी होती है, बड़ी होती है। इसके बाद वाला पॉइंट है खालिए के अफाल। तो पहला फेल है खलिए के वलूजी दबाव पर काबू रखता है। खलिए के जो वलूजी दबाव है, हमने वलूज देखे, उसकी किस्में देखे, उस पर ये काबू रखता है। दूसरा फेल है तहवील के अमल के दौरान तैयार होने वाले हासिलात ग्लाइकोजिन, प्रोटीन, पानी का ज़खीरा करता है। तीसरा फेल है हैवानी खलिए के खालिए अखराजी मादों का ज़खीरा करते हैं। हैवानी खलियों में जो खालिए पाए जाते हैं उसमें बेकार मादे जमा होते हैं, उसका ज़खीरा करते हैं, जबकि अमीबा के खालिए में गिज़ा हजमे से कबल ज़खीरा की जाती है, और अमीबा के जो खालिए होते हैं उसमें गिज़ा जमा होती है हज़म करने से पहले। चौथा फेल है नबाती खलिए का खालिया खलवी माया से भरा होने की वजह से खालिए को सख्ती और कयाम पजीरी हासिल होती है।